गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं ब्लैक बुक की वर्क ऐप्स, और ब्लैक बुक की वर्क ऐप्स में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं 425 से। ठीक है, 425 से नहीं, 425 तक की वीडियो जो है वो पढ़ चुकी है हमने। 425 तक की सारी चीज़ों को आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 426 से वर्क ऐप्स लर्न करने जा रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे अब 426 से। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या देखेंगे 426 से। देखने से पहले आज हम आप लोगों को बताएंगे कुछ कोट्स मोटिवेशनल। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड, यदि आप सफल होना चाहते हैं, फोकस ऑन चेंजिंग, तो आप बदलाव पे फोकस कीजिए। मैंने कल भी बदलाव पर ही एक कोट्स लाया था, आज भी लाया है कि अपने आप को बदलिए, दूसरों को बदलने पर ध्यान मत दीजिए। कि कोई अपने आप में आप चेंजिंग लाने की कोशिश कीजिए, अपने बिहेवियर में आप चेंज लाइए। अगर आपके सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसे बदलने में मत समय बर्बाद कीजिए, क्योंकि वो नहीं बदलेगा। उसको बदलने में बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है, हमें अपने आप को बदल लेना है। जिस दिन हम अपने आप को बदल लेंगे, अपने आप को एक अच्छे नज़रिए से देखने लगेंगे, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन मेरी लाइफ जो है ना, उस दिन हमारी लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी, सही तरीके से चलने लगेगी। तो बस दूसरों पर उंगली उठाना बंद करें, दूसरों के अंदर चेंजिंग पैदा करना बंद करें। अगर आपको सफल होना है तो खुद में चेंजिंग लाइए, अपने बिहेवियर में, अपने बर्ताव में चेंज लाइए, अपने आप को परिवर्तित कर लीजिए उस परिस्थिति में डालने के लिए। उस दिन आपकी ज़िंदगी जो है वो एकदम बेहतरीन हो जाएगी। तो बस आप लोगों को क्या करना है, अपने आप में चेंजिंग लाना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरा कोई क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग दूसरों को देखते रहते हैं, ना भाई ना, बिल्कुल भी नहीं, दूसरों को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है, खुद को देखना है। आज हमने क्या किया है, कल हमें क्या करना है, ठीक है, इन चीज़ों पे फोकस करना है। दूसरे पर फोकस नहीं करना है, ना कि दूसरों की कही गई बातों पे फोकस करना है। लोग हमेशा, लोगों का काम है आप लोगों के, आप पर उंगली उठाना। लोग हमेशा आपको भला बुरा कहते रहेंगे, आपको दूसरे क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको ये नहीं ध्यान देना है कि फला आदमी कर रहा है कि भाई मेरा सिलेक्शन, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी भी SSC की तैयारी कर रहे हो, इस पर ध्यान नहीं देना है। मैंने बार बार कहा है, मैंने चीज़ वो की है कि आप लोग क्या करते हैं, लोग पहले भी कहते हैं, लोग अब भी कहेंगे, लोग जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही होगी तब तक कहेंगे कि भाई तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, ठीक है, ज्वाइनिंग हो जाएगी तो बोल देंगे कि भाई बदल गया है। सारी चीज़ें मैं क्लास में बताता रहता हूँ, तो ये चीज़ें आपकी हमेशा चलती रहती हैं। दूसरों पर नहीं ध्यान देना है, अपने आप पे फोकस करना है। जिस दिन अपने आप पे फोकस कर लिया, उस दिन आप अपने आप को अंदर रखी हुई जो चीज़ है वो पालेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम ब्लैक बुक की वर्क ऐप्स दिया क्या गया है। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक बुक में आपका 425 तक हो गया था, है ना, 426 से हमें सॉल्व कराना है। देखिएगा 426 क्या दिया गया है। ग्रिस्टली, ग्रिस्टली का मतलब होता है भयानक, ठीक है, कोई चीज़ है उसे हम ग्रिस्टली बोलते हैं। ग्रिस्टली होता है, ग्रिस्टली में ग्रिस्टली क्राइम होता है, लिख लीजिएगा आप लोग, ग्रिस्टली क्राइम। ग्रूसम का मतलब एकदम घिनौना या एकदम बर्बरतापूर्ण, जो पब्लिकली आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही खराब तरीके से, वो आपका ग्रिस्टली होता है, ग्रिस्टली क्राइम आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देते हैं ग्रोन, ग्रोन का मतलब होता है तेजी से कराहना, ग्रोन विद पेन लिख लीजिएगा आप लोग, दर्द से कोई बहुत तेजी से कराह रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ग्रोन। ग्रोन का मतलब होता है दर्द आपको बहुत तेज हो रहा है और आप उससे तेजी से कराह रहे हैं, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे ग्रोन का यूज करेंगे, ठीक है ना। ग्रम्बल याद कर लेंगे, ग्रम्बल का मतलब भी कराहना। ग्रजिंग मीन्स होता है ईर्ष्यालु, ठीक है, तो आप लोग इनवियस याद कर सकते हैं, जेलियस याद कर सकते हैं, ठीक है, किसी से जेलसी हो जाती है, तो इनवॉयस का मतलब भी ईर्ष्यालु होता है, जेलस का मतलब भी ईर्ष्यालु होता है, तो यहाँ से आप लोग ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है आपका ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ग्रम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना, कंप्लेन करना, खासकर कंप्लेन करना ही एग्जैक्ट मीनिंग इसकी होती है, कंप्लेन करना ही इसकी मीनिंग होती है। आप किसी के बारे में तेजी से, मतलब किसी के बारे में आपको कोई किसी का बिहेवियर नहीं पसंद आ रहा है, आप जा करके कंप्लेन कर रहे हैं, वो कंप्लेन करना ग्रम्बल होता है। इसकी जो सही एक्चुअल मीनिंग होती है वो कंप्लेन होती है। मर्मर का मतलब फुसफुसाना होता है, आप जा करके किसी से कोई कान में कोई बात धीरे धीरे बोल रहे हैं,
ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, मरमर हो जाएगा, ठीक है ना। गुलेबिलिटी का मतलब भोलापन। अब आप लोग बोलेंगे कि ग्रम्बल का कैसे मरमर साइनो दे दे रहा है, तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है मेरे भाई, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि चार ऑप्शन हो सकता है कि कुछ दूसरी मीनिंग वाले रहे हों जो इससे एकदम डिफरेंट रहे हों, तो एक ऑप्शन सही हो जाता है। ऐसे भी साइनो लगाए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगला दिया गया गुलिबिलिटी। गुलिबल का मतलब होता है भोला भाला, जो आसानी से आपकी बात को मान ले, ठीक है। आप लोग बोल दें कि सूरज पश्चिम से उगता है, वो कह दें हाँ भाई सूरज पश्चिम से उगता है, सब मिला करके आपकी बातों को आसानी से मान लेने वाला भाई। बोल दे कि कोई कि ऐसा है कि मेरा एक क्या नाम है 149 आता है ना जियो में, 249 का रिचार्ज करवा दीजिए, ठीक है। वो जा कर के 149 का रिचार्ज करवा दे रहा है, वो गुलिबल है जो 149 का रिचार्ज करवा रहा है भाई, वो गुलिबल है, वो भोला भाला है, वो ऐसा लड़का है जो बाबू सोना की बातों में आ जाता है, ठीक है, और रिचार्ज करवा देता है। उसकी भावनाएं जो है वो गुलिबिलिटी कहलाएंगी, वो एक्ट जो है वो गुलिबल एक्ट कहलाएगा, वो भोलापन वाला एक्ट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हैकेंड मीन्स क्या होता है, घिसा पिटा, ठीक है। एक होता है वियर आउट, लिख लीजिएगा आप लोग, एक होता है वियर आउट। वियर आउट का मतलब क्या होता है, ये भी घिसा पिटा होता है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ पहन पहन के ख़राब कर दे रहे हैं, पहन पहन के कोई चीज़ पुरानी कर दे रहे हैं, सपोज कोई शूज़ हुआ, कोई मतलब कपड़ा हुआ, आप क्या कर रहे हैं उसको पहनते गए वो धीरे धीरे ख़राब होता चला गया, वो वियर आउट होता है, 2019 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब मति भ्रम, सब मिला करके इल्यूजन होता है, डेल्यूजन होता है, ठीक है। हेलुसिनेशन का मतलब एकदम इल्यूजन, कल्पना, ठीक है, भ्रामक, ठीक है, वो आपका इल्यूजन होता है, डेल्यूजन होता है, हेलुसिनेशन होता है। तो याद कर सकते हैं इल्यूजन, डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, कैसे याद करेंगे आप लोग, इल्यूजन, डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, ठीक है। अब देखते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का खुशी, खुशी आप लोग सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं, और ब्लिस होता है, ब्लिस का मतलब भी जॉय होता है, ब्लिस का मतलब भी हैप्पीनेस होता है, एक बी एल आई टी एच ई होता है, बी एल आई टी, ठीक है, एच ई, ब्लिथ का मतलब भी जॉय होता है, खुशी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, 434 तक हो गया हमारा, 435 देखते हैं। आज हमने 430 से शुरू किया, 425 से शुरू किया ना, 426 से, ठीक है। हार्ड का मतलब क्या होता है, हार्ड का मतलब कठिन होता है, डिफिकल्ट, हार्ड वर्क या डिफिकल्ट वर्क, ऐसे सब चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं है, बच्चों वाला बचकाना चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसी सब चीज़ें नहीं याद करनी है, हमें याद करना है। अभी देखिएगा आप लोग नेक्स्ट, हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब कष्ट होता है, मिजरी, ठीक है। हार्डशिप का मतलब क्या होता है, कष्ट होता है, वो आपका हार्डशिप होता है। हेट सब लोग जानते, बोलते हैं आई हेट यू, लेकिन डिटेस्ट भी होता है। डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, डिटेस्ट का मतलब भी हेट होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमने देखा डिटेस्ट का मतलब भी क्या होता है, हेट होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिटेस्ट के बाद, हाँ चलिए, डिटेस्ट का मतलब हेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला, अगला क्या दिया गया है, हॉटी। हॉटी का मतलब घमंडी, वो नहीं जो बहुत ज़्यादा हॉट हो उसे हॉटी बोल देंगे, घमंडी का मतलब हॉटी होता है, हॉटी का मतलब घमंडी होता है, कंसिस्ट का मतलब घमंडी होता है, एरोगेंट का मतलब घमंडी होता है, बम्पसियस का मतलब घमंडी होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हॉटी का मतलब भी घमंडी होता है, कंसीट का मतलब भी घमंडी होता है, बम्पसियस का मतलब भी घमंडी होता है, एरोगेंट का मतलब भी घमंडी होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग लिखते चलेंगे, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो ये चीज़ें आप लोग लिख के चलिए, लिख के चलेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को एग्ज़ाम में, ठीक। तो सारी चीज़ें आप लोग लिखते चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अगला क्या दिया गया है आपका, अगला दिया गया है हेयरसे। हेयरसे का मतलब अफवाह होता है, ठीक है, अफवाह होता है उसे हम बोलते हैं हियर, सुनना से किसी की कही गई बात को। ऐसे देखिए, एक तोड़ करके हम एक मीनिंग बना सकते हैं, ठीक है, एक बनाने का अपना नज़रिया, एक तरीका बना सकते हैं जिससे हम कोई चीज़ याद कर सकें, वैसा आप लोग बिल्कुल बना लीजिएगा, ठीक है, तो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगे। हेराल्ड का मतलब संदेश वाहक होता है, कोई संदेश ले जाने वाला है, कोई सूचक है, कोई संदेश वाहक है, वो हेराल्ड मैसेंजर होता है, तो आप लोग हेराल्ड मैसेंजर याद कर लीजिएगा, एक साथ याद कीजिए हेराल्ड मैसेंजर, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा, हेराल्ड नहीं तो मैसेंजर याद आएगा तो भी याद आ जाएगा, हेराल्ड मैसेंजर, ठीक। हरकुलियन, हरकुलियन का मतलब बहुत ज़्यादा बलशाली, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, उसे हम हरकुलियन बोलते हैं। हम हरकुलिस एक कंपनी है जो साइकिल बनाती है, आप लोग जानते होंगे,
वहाँ से याद कर सकते हैं, बहुत मजबूत साइकिल उसकी आती है। हरकुलियन टास्क होता है एक डिफिकल्ट टास्क, एक प्रकार का ईडियम्स होता है वो भी पूछा जाता है, डिफिकल्ट टास्क। स्ट्रांग याद कर सकते हैं, स्ट्रांग इसका क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, हेरेटिक का मतलब होता है क्या, विधर्मी, साइनिक। ठीक है, हेरेटिक का मतलब विधर्मी। हेजिटेट कहते हैं, ये चेट कहते नहीं है कि भाई हेजिटेट क्यों हो रहे हो, हेजिटेशन तुम्हारे अंदर क्यों आ जा रही है, इतनी ज़्यादा हेजिटेट क्यों हो जाते हो किसी से बात करते समय, हिचकिचाते क्यों हो किसी से बात करते समय, यानी कि पॉज हो जाएगा। हिचकिचाने का मतलब वो रुक रुक करके बात करेगा, ऐसे सेंस में हम पॉज को उसका साइनो मान सकते हैं। ठीक है, हाइंड का मतलब होता है पिछला, रियर, रियर कैमरा होता है, जानते होंगे आप लोग, हाइंड का मतलब पिछला होता है। और ऑनर, ऑनर का मतलब आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता होगा, ऑनर का मतलब होता है सम्मान। ठीक है, ऑनर का क्या मतलब होता है, सम्मान, आप लोगों से अच्छा सम्मान देना और पाना कोई नहीं जानता होगा, इतने अच्छे हैं आप लोग, सम्मान देना भी जानते हैं और सम्मान पाना भी जानते हैं, और यही एक होना चाहिए। आप अगर सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे, आप अगर किसी से अच्छे तरीके से बात करेंगे तो वो भी आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करेगा, आप किसी से फालतू में उल्टा सीधा बोल करके बात करने लगेंगे वो भी उल्टा सीधा बोलने लगेगा, कुछ दिन में, एक दिन नहीं बोलेगा, दो दिन नहीं बोलेगा, तीसरे दिन आपको सीधा गाली देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हरकुलियन, हेरेटिक, विधर्मी हो गया, साइनिक, हेजिटेट, हिचकिचाना, हाइंड, रियर कैमरा हमने बता दिया। हुडविंक का मतलब क्या होता है, आँख में धूल झोंकना। ठीक है, हुडविंक का मतलब सब मिला करके धोखा देना होता है, सब मिला करके कोई किसी को धोखा दे दे रहा है, कोई लड़का किसी लड़की को या लड़की किसी लड़के को धोखा दे करके चली जा रही है। ठीक है, बाबू मैं आपका जिंदगी भर साथ दूंगी, लेकिन बाबू जिंदगी भर साथ नहीं देता है, बाबू बाद में किसी दूसरे का साथ जिंदगी भर देने के लिए चला जाता है। ऐसा तब होगा, पता है लोग कब कहते हैं धोखा दे दिया, होता क्या है, अपना तो पढ़ाई में मन लगा नहीं, एक लड़का है, कोई लड़का हुआ, वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। ठीक, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है क्योंकि बाबू का रात भर फोन आ रहा है, दिन भर फोन आ रहा है, और वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अब होगा क्या, बाबू तो शादी किसी दूसरे से रचा लेगी, ठीक है, पर आप स्टेनो बाबू नहीं बन पाएंगे, बस वही बात हो जाएगी। तो करना क्या है, हमें स्टेनो बनना है, अगर हमें SSC का कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है अगर, ठीक है, तो बाबू को थोड़ा सा साइड में रखने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबू को भुला दीजिए, ठीक है, बाबू को थोड़ा सा साइड रखने की जरूरत है और अपने काम पे फोकस करने की जरूरत है। मोबाइल को अगर आप मतलब सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, आपकी लाइफ वैसे ही अच्छी होती चली जाएगी, आपके पास अपने बारे में, अपने खुद के बारे में सोचने का टाइम मिल जाएगा। आप कभी 2 घंटे मोबाइल, अपनी 2 घंटे लगातार मोबाइल स्विच ऑफ करके एक कमरे में बैठ जाइए, उसी दिन आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उस दिन आप इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं देख रहे होंगे, उस दिन आप अपने लाइफ की वीडियो देख रहे होंगे, अपने लाइफ के बारे में सोच रहे होंगे कि मेरी लाइफ में क्या होगा, अब अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मुझे क्या हो जाएगा, क्या मैं रोड पे आ जाऊंगा, क्या मुझे कोई काम नहीं रह जाएगा, क्या मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा जो चीज़ मैं नहीं करना चाहता हूँ। बाद की लाइफ को सोचिए, आपको सोचना चाहिए अपने आप से कि हमें क्या करना चाहिए, क्या मैं जो कर रहा हूँ उस पर मैं फोकस्ड हूँ या नहीं हूँ, अगर नहीं हूँ तो होइए, या नहीं हो पा रहे हैं तो आप बाद की लाइफ को सोचिए कि अगर आपके, आप नहीं सक्सेस होते हैं तो आपका क्या होगा। जिस दिन ये सोच लिया ना, उस दिन पूरे तरीके से पूरे जोश और जुनून के साथ आप लोगों के पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 4:45 तक हमने कंप्लीट करा दिया है, 4:46 हो गया है, अब 20 मीनिंग आज लगभग हो गई है, कल जो है वो इसी के आगे हम कंप्लीट कराएंगे। जल्दी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हुडविंग का मतलब किसी को आंख में धूल झोंकना या किसी को धोखा देना होता है। ऑनर, सम्मान, हाइंड, रियर होता है, कैमरा हम बोल बताए थे, हेजिटेट, हिचकिचाना, हेरेटिक, विधर्मी, हरकुलियन का मतलब होता है डिफिकल्ट, वो बहुत ज़्यादा बलशाली, और हेराल्ड का मतलब मैसेंजर, हेयरसे का मतलब अफवाह, हॉटी का मतलब घमंडी, हेट जानते हैं आप लोग, हार्डशिप का मतलब कष्ट होता है, हार्ड का मतलब कठिन होता है। याद करते जाइए बेहतरीन अंदाज में, याद कैसे नहीं होगा, मीनिंग याद नहीं होगी, मीनिंग हमसे है कि हम मीनिंग से हैं, सोच लीजिए, याद करते चले जाइए, बिल्कुल याद होगा। बस करना क्या है आपको कि बार बार रिवाइज करते जाना है, किसी भी चीज़ को याद करने का एक मूल मंत्र है कि आप लोगों को रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया हैप्पीनेस मीन्स खुशी, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन का मतलब मतिभ्रम या भ्रम, हैकेंड मीन्स क्या होता है, घिसा पीटा, गुलेबिलिटी, भोलापन,
रिचार्ज करवाने वाली बात याद आ जाएगी। ग्रम्बल बड़बड़ाना, ग्रफ का मतलब कर्कश होता है, रफ ग्रजिंग मीन्स होता है, ईर्ष्यालु बोल सकते हैं, इनवियस ग्रोन का मतलब कराहना होता है, किसी से बहुत ज़्यादा दर्द से कराह रहे हैं तो हम बोलते हैं कि ग्रोन विद पेन, विद ग्रोन विद मतलब पेन से कराहना, ठीक है, विद पेन। ग्रिसली का मतलब क्या होता है, ग्रिसली का मतलब होता है भयानक, ग्रिसली का मतलब क्या होता है आपका, भयानक होता है, ठीक है, तो ग्रिसली हो जाएगा आपका भयानक। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रिसली का मतलब क्या हो जाएगा आपका, भयानक। ग्रिसली क्राइम होता है, एकदम जघन्य अपराध होता है, उसे हम ग्रिसली क्राइम बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे याद कीजिए, याद कैसे नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ याद कैसे नहीं होगा, मीनिंग तो याद होकर ही रहेगी, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सारी चीज़ें याद होंगी, यही क्लास में याद होंगी, सारी चीज़ें याद कराई जाएंगी, ठीक है। बढ़िया से बेहतरीन अंदाज में आप लोग पढ़ाई कीजिए। आज आप लोगों को क्या करना है, आज सुबह आप लोगों को एक टाइम टेबल बना लेना है कि मुझे क्या क्या करना है, उसके बाद करना स्टार्ट कीजिए, पूरा दिन उसी के अकॉर्डिंग कीजिए, बहुत अच्छा दिन जाएगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। सो थैंक यू।